हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बनाने जा रही हूँ कलरफुल प्लेट डो, जो कि बहुत ही आसान है घर में बनाना और बहुत ही मज़ेदार है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम अपने पास ले लेंगे एक प्याली मैदा, फ्लावर, 3 टेबल स्पून ऑयल, एक प्याली पानी एंड 4 टेबल स्पून सॉल्ट एंड पोस्टर कलर्स। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं बनाने के लिए। सबसे पहले हम 4 टेबल स्पून सॉल्ट जो है वो अपने पास प्लेट में डाल लेंगे। फोर टेबल स्पून सॉल्ट डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे वाटर। सारा वाटर एक साथ हम नहीं डालेंगे फ्रेंड्स, जितने वाटर में ये सॉल्ट डिसॉल्व हो जाए सिर्फ उतना ही डालेंगे। Swear it's been 700 degrees in here since you came in. I could swear that this room has been running out of air, and now it's starting to spin. You make me feel kinda bad, kinda good, kinda everything, yet it doesn't feel like it should. के बाद ऐड करेंगे इसमें हम फ्लावर। 1, 2, 3, 4, 5। पहले हम इसको अच्छी तरीके से गूंद लेंगे, फिर इसमें हम जितना बाकी का फ्लावर बचा है वो भी मिक्स करेंगे। Swear it's been 700 degrees in here since you came in. I could swear that this room has been running out of air, and now it's starting to spin. You make me feel kind of bad. आपकी डो बिल्कुल ही अच्छी परफेक्ट बने। हमने ऑयलिंग कर ली है अपने हाथों पे ताकि डो अच्छी सी बने, और उसके बाद 3 टेबल स्पून ऑयल हम इस डो के अंदर डाल देंगे। एंड देन मिक्स मिक्स मिक्स, और इसको अच्छे से स्मैश करेंगे ताकि इसकी अच्छी सी स्टिफ सी एक डो बन जाए। Swear it's been 700 degrees in here since you came in. I could swear that this room has been running out of air, and now it's starting to spin. You make me feel kinda bad, kinda good, kinda everything, yet it doesn't feel like it should. You make me feel kinda wrong, kinda right, kinda anything, and I would. अब इस डो को मैं पोर्शंस में कर लूँगी। जितने मुझे क्ले चाहिए, जितनी कलर्स की मुझे डो चाहिए, उतने ही मैं इसके हिस्से कर लूँगी। सो फ्रेंड्स, मैंने 8 पोर्शंस कर लिए हैं क्योंकि मैं इसके 8 कलर्स बनाऊँगी। सबसे पहले अब इसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा होल कर देना है, एक राउंड सी शेप दे देनी है
ताकि इसके अंदर हम कलर्स ऐड कर सकें। एंड देन वन बाय वन हम सब में कलर्स ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं ब्लू कलर की डो बनाने लगी हूँ, तो एक हमने उठा लिया है और इसके अंदर हमने ब्लू पोस्टर कलर डाल दिया है। पोस्टर कलर्स आर बेस्ट टू मेक दिस क्ले बिकॉज पोस्टर कलर्स के अंदर प्रिजर्वेटिव जले हुए होते हैं, तो उससे हमारी क्ले जो है वो काफ़ी दिनों तक बची रहती है और सही रहती है, और उसके अंदर ना कोई स्मेल आती है और ना ही ये ख़राब होती है। कलर भी बहुत सही अच्छा है क्योंकि स्मैश करेंगे जैसे it's been 700 degrees in here since you came in. I could swear that this room has been running out of air, and now it's starting to spin. You make me feel kinda bad, kinda good, kinda everything, yet it doesn't feel like it should. You make me feel kinda wrong, kinda right, kinda anything, and I would change it if I could, could. Yeah.
I swear I'm hitting the floor. I could swear that my stomach just sunk a meter. I'll be dead if I take any more. You make me feel kinda bad, kinda good, kinda everything, yet it doesn't feel like it should. You make me feel kinda wrong, kinda right, kinda anything, and I would change it if I could, could. सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि सारे ही कलर्स से हमने डो बना ली है और ये बिल्कुल भी कलर्स इसमें से जो है वो निकल नहीं रहे हैं बिल्कुल भी एक दूसरे से। आप अभी जब मैं इसको प्लेट में से उठाऊंगी तो भी आप देखिएगा कि नीचे उसका कोई कलर नहीं होगा। जैसे मैंने ब्लू कलर उठाया तो नीचे उसका कोई पैच नहीं आया हुआ है ब्लू कलर का। इट मीन्स कि ये अपना कलर छोड़ नहीं रहा है। अब मैं इसको एक प्लास्टिक बैग में रख रही हूँ इसको प्रिजर्व करने के लिए, ताकि ये ख़राब ना हो, क्योंकि अगर इसमें एयर लगेगी तो ये सूख सकते हैं, और इसको हम एयर से बचाने के लिए इस तरीके के प्लास्टिक बैग में रख सकते हैं। आप लोग फूड शीट भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको प्रिजर्व करने के लिए। सो फ्रेंड्स, आफ्टर टू डेज़ ये इसके कंडीशन इस क्ले की अभी तक यही है, और ये मैंने 2 डेज़ के बाद इसकी वीडियो बनाई है ताकि आप सबको ये दिखा सकूं कि ये अभी तक जो है वो सॉफ्ट है और इसका कलर भी बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो डू कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।